वेलकम बैक टू माई ट्यूशन पेपर आएगा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई हूँ बच्चे होंगे और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है, फर्स्ट सेम, और यहाँ बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस की, जिसे हम राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। और ये जो क्वेश्चन बना है ये बहुत ज़्यादा पूछता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है ये। आप जब भी पेपर देने जाएंगे तो आपसे ये पूछेगा धर्म से क्या समझते हैं, मतलब धर्म की परिभाषा, धर्म कहते किसे हैं, ये क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मैं सारी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आपकी पॉलिटिकल साइंस की सारे जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप तक पहुंच जाएंगे वीडियो के माध्यम से। और मैंने 2022 में आने वाले क्वेश्चन दिए हैं, आप उन क्वेश्चनों को याद कर लेते हैं तो 85% प्लस वहीं से आएगा, कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना। मैं आपसे वादा कर सकता हूँ कि वहां से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आपको इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन कराऊंगा जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। आप वीडियो को देखने माध्यम से ही याद कर सकते हैं क्वेश्चन को, इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। देखो धर्म की किसे कहते हैं, मैं आपको पहले पढ़ के बताऊंगा, उसके बाद में हमने अपने हिसाब से बता दूंगा कि धर्म होता क्या है। और आपने अभी तक हमारा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है बीए बाई पेपर है का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। और प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं एक साथ, ठीक है। तो देखो यहां क्या करना है, प्लीज सर देखो क्या है। पहला देखो उत्तर हम डालेंगे और उत्तर डालने के बाद लिखेंगे, देखो उत्तर डालने के बाद लिखेंगे हम लोग धर्म वैदिक अवधारणाओं से लिया गया है। कहां से लिया गया है? वैदिक अवधारणाओं से। जिसका आस क्या है, मतलब आस का मतलब होता है इसका अर्थ क्या है या इसका मतलब क्या है, इसका मीन क्या है, बात कह सकते हैं ना इसको पॉइंट से। यह बोला गया आदेश, देखो कह रहा है आदेश नियत और सत्य, मतलब आदेश को नियत रखने वाला और सत्य धर्म होता है। साथ ही साथ कहा अर्थात, इसे दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं, मतलब क्या है धर्म को, हम एक भाषा में क्या कह सकते हैं कि वो आदेश नियत है और सत्य धर्म का अर्थ होता है। साथ ही साथ हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं जो कुछ भी धर्म के अनुसार होता है वही सत्य है, जो कुछ भी धर्म के अनुसार होता है वो सत्य है, क्योंकि धर्म प्राकृतिक नियम का बोधक है। कैसा बेटा? प्राकृतिक नियम मतलब क्या है? जो भगवान के बनाए हुए नियम है। प्राकृतिक का मतलब होता है हमने नहीं बनाए, वो प्राकृतिक ने बनाए, भगवान ने बनाए हुए जो नियम है उन पर डिपेंड करता है। और जो कर्तव्यों का, जो कर्तव्यों पर आधारित होता है, मतलब जो कर्तव्य है, हमारे जो कर्तव्य होते हैं उनके ऊपर आधारित होते हैं, वो धर्म होते हैं। अब यहां बोला गया है कि धर्म शब्द का मूल अर्थ संस्कृत के, देखो धा से लिया गया है, धर्म का जो मुख्य अर्थ होता है वो धा से लिया गया है। इस तरीके से संस्कृत का शब्द है धा, धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ऊपर उठना। क्या होता है? जिसका अर्थ होता है ऊपर उठना, धा मतलब धा का अर्थ होता है संस्कृत के ऊपर उठना। और धर्म जीवों के उत्थान में सहायक होता है, और धर्म क्या होता है? जीवों के उत्थान में सहायक होता है। वही बात की जाए, धर्म व्यक्ति के मूल्यों में से एक है। धर्म क्या है? व्यक्ति के मूल्य। प्राचीन विचारों के विचारकों के अनुसार, जो पहले के लोग थे, प्राचीन के लोग थे, वो बोलते थे इनके अनुसार ये धर्म ही कह रहा है, ये धर्म ही है, ये धर्म ही है जो इस ब्राह्मणों को बनाए रखता है। मतलब क्या है? ये धर्म ही है, प्राचीन के लोग ये बोलते थे, ये धर्म ही है जो ब्राह्मणों को बनाए रखता है और राजा के साथ, और राजा के साथ साथ प्रजा को भी इसका पालन करना चाहिए, राजा के साथ साथ और उनकी प्रजा का भी पालन करना चाहिए। ये था धर्म क्या था, मतलब धर्म उन्होंने सिंपल बोला गया। अब मैं आपको अपनी भाषा बता देता हूँ, धर्म वो होता है जो आदेश नियत एवं सत्य हो, मतलब जो प्राकृतिक ने बनाया है, हम जिसका फॉलो कर रहे हैं, जिस कर्तव्य पे चल रहे हैं, वही धर्म होता है। जैसे मान लो पहले के लोग ये कहते थे, भाई यदि धर्म ना होता तो ब्राह्मण होते, ब्राह्मण भी कुछ खाते रहते, यदि खाते वो खाते, पंडित हैं वो कुछ भी खाते रहते, पंडित एक धर्म है उनका, ठीक है कि वो शुद्ध शाकाहारी रहेंगे, भाई कुछ नहीं खाओगे, तुम भगवान की पूजा करोगे, तुम पंडित हो, अब ये धर्म है। अब बात कर लो वो भाई, अब वो धर्म नहीं होता तो अब वो कुछ भी खाते उठा उठा के, एक्स वाई जेड कोई भी ले लो, मांस मदरा जो भी है उसका यूज करते, तो वहां कौन रोकता है इस चीज को? धर्म ही रोकता है, तो इसको ही धर्म कहते हैं, ये होता है। तो ये था आज की वीडियो में छोटा सा टॉपिक, जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।